नेक वेल्डिंग करने के लिए जो नोजल होती है उसका जो एंगल माने रखा जाता है वो 70 से 80 डिग्री होता है, और जो वेल्डिंग टेक्निक है उसे फोरहैंड वेल्डिंग टेक्निक कहा जाता है। मैं आपको फोरहैंड वेल्डिंग टेक्निक से वेल्डिंग करके बताऊंगा। यहाँ से जो कॉर्नर जॉइंट कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कॉर्नर जॉइंट को 1/2 पोजीशन में यानी कि डाउन एंड पोजीशन में वेल्डिंग करके बता दिया है।